एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। जो मैं अब तीन टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ 101% मेरे ख्याल से अगर बोर्ड का पेपर बनेगा तो वो तीन क्वेश्चन डाल देगा एबीसीडी में से। एक ये डालेगा, दूसरे सेट में ओनली कैपेसिटर डाल देगा, अगला टॉपिक है, तीसरे में एलसीआर डाल देगा, फिर बोलते रहना मेरी किस्मत ठीक थी कि खराब थी। और मेरा जो टेस्ट होगा अगली बार ट्यूसडे को, उसमें तीनों आएंगे, बातें ख़त्म। ठीक है, तो तीन नंबर है, ट्यूसडे को टेस्ट है, जितना आज करवाएंगे इसका साथ के साथ क्लियर करेंगे, लेट नहीं करेंगे। तो करें स्टार्ट ओनली इंडक्टर। जब मैंने ये बोला कि यहाँ पर ओनली इंडक्टर है, ये इंडक्टर एक वायर से बना हुआ है और वायर का कोई मटेरियल है, मटेरियल की कोई रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, वो मैंने निगलेक्ट किया है। मैंने कैपिटल आर को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने कैपिटल आर ले लिया तो पिछली डेरिवेशन बीच में मिक्स हो जाएगी। मैं सिर्फ स्टडी करना चाहता हूँ इंडक्टर कैसे बिहेव करता है अगर उसे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी जाए, बस इंडक्टर। अब मुझे ये पता है नीचे से अगर वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा इंडक्टर के साथ, हमेशा क्या करेगा, अपोज, ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा नहीं करने देगा, कम हो रहा है कम नहीं करने देगा, तो यहाँ पर अपोजिशन होनी ही होनी है, कोई डाउट इसमें, सही है यहाँ तक? तो इंडक्टर तो अपोज करेगा ही करेगा। बस मैं सिंपल ये देखना चाहता हूँ कि मैंने तो EMF अप्लाई की थी E0 साइन ओमेगा टी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट कितना है। कोई कहता है इसमें क्या है I0 साइन ओमेगा टी ना, अगर यही होता फिर टॉपिक क्यों बनता, करके देखते हैं। इसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो रूल नंबर वन, इस इंडक्टर के केस में मैंने कैपिटल आर को क्या किया, जीरो छोड़ दिया। तो इंडक्टर में जब वोल्टेज चेंज होगी तो वो अपोज करेगा और EMF कितनी जनरेट कर लेगा, -L dI/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, करंट टाइम के साथ इसमें क्या हो रहा है, चेंज। तो मैंने EMF कितनी अप्लाई की, E0 साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दी। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का सम जीरो आएगा। इसमें वोल्टेज कितनी अप्लाई की, E0 साइन ओमेगा टी, इसमें कितनी है, -L dI/dt, दोनों का सम इक्वल टू जीरो, सही। इस टर्म को एक तरफ, इस टर्म को एक तरफ कर लिया। नेक्स्ट टर्म है DI एक तरफ, DT और L राइट साइड पे ले गए। अब इंटीग्रेशन, अब ये इंडक्टर में स्मॉल करंट चेंज है, मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालना आए तो मुझे दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो DI से I निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो मैंने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में E0 और L कॉन्स्टेंट आ गया। 1 DI की इंटीग्रेशन क्या है, I E0/L। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos ωt / d/dt ऑफ ओमेगा टी, जो कि क्या आएगा, ओमेगा, काट मत देना ओमेगा, ओमेगा ये एंगल है, कटेगा नहीं, ओमेगा बाहर आ गया, ये टर्म आ गई। इस एक्सप्रेशन को बॉक्स में डाल दो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब क्योंकि ये कैसे, तो डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो I का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट जो इंडक्टर में आया, तो इंस्टेंटेनियस जो करंट आया वो ये आया। क्या खास बात है इसकी, ये खास बात है, इंस्टेंटेनियस करंट इज अ फंक्शन ऑफ -cos ωt। ध्यान से देखो बीच में क्या आ रहा है, -cos ωt। EMF कैसे चल रही थी, sin ωt। अगर मैं कहूं इनके ग्राफ प्लॉट करो, तो इनके ग्राफ पता है कैसे बनेंगे, EMF साइन का कर्व फॉलो कर रही है sin ωt। ये देखो जीरो से स्टार्ट होगी, स्पेशली मेडिकल वाले देखें साइन का ग्राफ है, और करंट किस में आया था, -cos। मेडिकल के लोग फिर देखें, जो कॉस होता है मैथ्स में वो ऊपर से स्टार्ट होता है, और जो -cos होता है वो ऊपर की बजाय नीचे से होता है। तो कॉस ऊपर से होता है, -cos नीचे से होता है, साइन जीरो से होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -cos। तो ये डॉटेड लाइन करंट शो करता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें बोर्ड के पेपर में या मेंस या नीट के पेपर में ये डायग्राम देगा, बहुत देता है, और कहेगा पहचानो ये कौन सा डिवाइस है। अगर रजिस्टर होता तो EMF और करंट सेम फेज में होते, अगर -cos है तो पक्का इंडक्टर ही है, -cos यहाँ से करंट, अगर -cos है तो इंडक्टर है, सही है। यहाँ तक पहचान जाओगे इंडक्टर की पहचान क्या है। नेक्स्ट है, तुमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली,
अब एक काम करो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बताता हूँ क्यों। इसको लिख लो साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। इसके अंदर माइनस साइन इसके अंदर ले आओ तो उल्टा हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और आई इज इक्वल टू साइन के आगे जो कोफिशियंट है उसको क्या लिखेंगे, आई नॉट, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज ई नॉट बाई एल ओमेगा। तो मेरे पास ये करंट की इक्वेशन आ गई, यहाँ तक आपने करना है। और फिर आपने ये लिखना है कि मैंने ईएमएफ इंडक्टर में क्या अप्लाई की थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इंडक्टर में कितना गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। देख रहे हो सेम नहीं आया, ओमेगा टी नहीं आया, माइनस पाई बाय टू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ईएमएफ का अगर एंगल ओमेगा टी है, करंट का एंगल ओमेगा टी से पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, यानी कि ईएमएफ का फेज आगे है और करंट का फेज पीछे है, तो करंट पीछे को क्या बोलते हैं, करंट क्या कर रहा है, लैग्स, करंट लैग ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। या उल्टा भी बोल सकते हैं, ईएमएफ लीड्स करंट, या आगे है लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। जब ये डेरिवेशन आएगी ये भूल जाओ, वो ऐसे पूछेगा कि चलो बच्चों इंडक्टर ले लो और बताओ करंट और वोल्टेज क्या होती है, इतना ही होता फिर तो सारी दुनिया के 90% ना जाते। वो ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रूव दैट इन एन इंडक्टर, पहला क्वेश्चन, या प्रूव दैट किसी भी डिवाइस में जिसमें ईएमएफ और करंट का ये ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ तो उसको पता है जो पढ़ के आया है कि इंडक्टर है माइनस कॉस वाला, वो आपको फोटो दिखाएगा डायग्राम की और बोलेगा बोलो डिवाइस क्या है, तुम बोलोगे डिवाइस इंडक्टर है, फिर कहेगा इंडक्टर पहचान लिया, अब बताओ इस डिवाइस में कौन आगे और कौन पीछे होता है। तो तुम ये पूरी डेरिवेशन करके बताओगे कि इसमें ईएमएफ आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और इस बात को अगर फेज के साथ ड्रॉ करूँ, ये देख रहे हो ईएमएफ का वेक्टर का किसी भी इंस्टेंट पर एंगल सपोज कितना है, पाई बाय टू, क्योंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ का एंगल कितना है ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा टी, ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी, करंट ईएमएफ से पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। देख रहे हो करंट ईएमएफ के वेक्टर से पीछे, इस वेक्टर से पीछे है बाय एन एंगल ऑफ 90। समझ में आ रहा है फेजर, ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं वेक्टर्स कैसे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या मैथमेटिकली किया कि ईएमएफ का एंगल अगर ओमेगा टी है, क्योंकि ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो ओमेगा टी से पीछे आ जाओ 90 डिग्री। तो ये डायग्राम आपने दोनों ड्रॉ करने हैं, पूछा हो या ना पूछा हो, इस डेरिवेशन के अंदर यहाँ तक तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये भी लाइन भी लिखनी है और डायग्राम भी बनाने हैं। और डायग्राम के साथ अगर समय मिले तो ये भी करना है, आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय एल ओमेगा, ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ई नॉट इज आई नॉट इंटू एल ओमेगा, ई एम एफ इज करंट ओम्स लॉ, ई इज आई इंटू आर रेजिस्टेंस। तो ये एल ओमेगा क्या आ गई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। आपको के कौन सी, कैपिटल आर, ना ये कैपिटल आर नहीं है, ये रेजिस्टेंस इसलिए नहीं है कि उसमें कोलिजन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, ये वो नहीं है, ये तो वो झगड़े की वैल्यू है कि जो इंडक्टर झगड़ा कर रहा था ना आपकी ईएमएफ के साथ, और मैं वो कह रहा था मैं ईएमएफ बढ़ने नहीं दूंगा, कम नहीं करने दूंगा, वो रेजिस्ट कर रहा था, वो रेजिस्टेंस इतनी है। तो अगर एल ओमेगा की वैल्यू बड़ी, और इसके यूनिट्स ओम में आते हैं, और अगर एल ओमेगा की वैल्यू बड़ी है तो झगड़ा जबरदस्त होने वाला है, इंडक्टर जल्दी जल्दी करंट को चेंज ही होने देगा, और अगर एल ओमेगा कम है तो यानी कि झगड़ा कमज़ोर है, इंडक्टर कमज़ोर है आपका, वो झगड़ा ठीक तरह कर नहीं पाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी वजह से है, ये कैपिटल आर नहीं है, तो इसलिए दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, एंड ड्यू टू व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, सेल्फ ईएमएफ, ये सेल्फ ईएमएफ की वजह से रेजिस्टेंस है। तो कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को, ये कौन सी रेजिस्टेंस है यार, आर है कि ये कौन सी, तो इसका नाम चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर का दूसरा नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आज के बाद R के साथ इसको नहीं बात करेंगे, R तो मटेरियल की वजह से है, हम इसका नया नाम देंगे, नया नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका सिंबल भी कैपिटल R नहीं देंगे, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कैपिटल R है, इसका सिंबल क्या देंगे, XL। तो XL का फॉर्मूला क्या है, L ओमेगा।
और इसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट्स क्या है, ओम्स, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है, एल ओमेगा। अभी तो कैपिटल आर का इसमें कोई रोल है ही नहीं। कोई कहता है जी मेरा तो करंट ही डीसी है नीचे से, मैं एसी में काम ही नहीं करता, मैं तो डीसी करंट पास करता हूँ, मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पास ही नहीं करता। अगर डीसी करता है तो भाई तेरे साइकिल नहीं बन सकते, डीसी फ्लैट होता है और फ्लैट के लिए ओमेगा क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इंडक्टर झगड़ा करेगा ही नहीं क्योंकि करंट ही कॉन्स्टेंट है, एक्सएल स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो। सही है यहाँ तक? तो स्पेशल केस हो गया, यूनिट्स हो गए और ये डायग्राम भी हो गया। तो समझ में आ रहा है कि पूरा टॉपिक कैसे लिख के आना है आपने विद डायग्राम और विद इंडक्टिव रिएक्टेंस।